इस वक्त जापान मुगल चैनल में मेरे साथ पाकिस्तान से नीलोफर बख्तियार साहब हैं, आज इनसे मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जापान कैसे आना हुआ आपका? आज लायंस क्लब्स इंटरनेशनल की कन्वेंशन थी फुकुओका में। अच्छा, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया हुआ था, तकरीबन 150 से 200 पाकिस्तानी आए हुए थे। अच्छा, और ये एक इंटरनेशनल परेड होती है और फिर इलेक्शंस होते हैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के। अच्छा, उसके सिलसिले में हम सब आए। माशाल्लाह, तो कितने पाकिस्तान से ये साथी आए थे अभी तकरीबन? मेरे ख्याल में 150 से ऊपर थे लोग। अच्छा, 150 से ऊपर लोग थे। अच्छा, और काफ़ी रौनक रही। अच्छा जी, और दुनिया से तकरीबन 35-40 हज़ार लोग थे सर। तो कैसा महसूस हुआ आपको ये जापान आ गया? जापान मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो मौसम बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था, पाकिस्तान की गर्मी के बाद बड़ा चेंज लगा। अच्छा, और दूसरा साफ सुथरा और एक वफादार ईमानदार, और मैं क्या कहूँ लोगों की कितनी तारीफ करूँ। अच्छा, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, किसी से रास्ता पूछे तो वो दूर तक चला जाता है, आपको वहाँ जगह छोड़ने आ जाते हैं, घर छोड़ के आते हैं जी। अच्छा, सिर्फ एक लैंग्वेज का बैरियर है, लैंग्वेज का। अगर अंग्रेजी थोड़ी सी ये लोग और बोलें तो टूरिस्ट को बहुत आसानी हो जाए। माशाल्लाह, मैं देख रहा था थोड़ी सी, मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी वहाँ पे आपको, ये जापनीज लोग देख रहे हैं, जापनीज लायंस क्लब के लोग देखना चाह रहे हैं, उनके लिए आप मैसेज देना चाहेंगे जापान के इंग्लिश में अगर? सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज, इफ यू हैव एनी मैसेज फॉर द जापनीज लायंस क्लब हियर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर द मेंबर ऑफ द जापनीज लायंस क्लब, सो आई एम गोइंग टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री फॉर देम, सो इफ यू हैव सम मैसेज फॉर देम प्लीज। The message for Japanese Lions from me as a past international director of Lions Clubs, as the first woman on the board of Lions Clubs International, and as a Pakistani, I would like to compliment you on this wonderful, outstanding country. I think you are a very brave nation. After every calamity, you come out as a winner. You build up your country after going through severe crisis, but you come back stronger than ever before. I've been to Hiroshima, and Hiroshima speaks volumes of the strength of Japanese people. I'm very proud of you. I've learned a lot from you. After tsunami, you've built up your nation. And the honesty that I've seen here, the humbleness, the down-to-earth quality that you have, and most importantly, you're very simple people. I don't see any extravagance here. In simplicity, you do your hard work. So I'm going back with a very good message for the Lions of Pakistan. Okay, thank you very much. So ladies and gentlemen, this message is, I'm going to put it in the three languages, in Japanese, Urdu and English. And today I'm really thankful to Madam Nilofar Bakhtiar here. So any message to Pakistani community, you want to say something? In Japan? In Urdu, yes. जो जापान में रह रही हैं? जो जापान में रह रही हैं, yes. मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस मुल्क में वो रहते हैं उस मुल्क की कदर करें, यहाँ रहते हुए ये साबित करें कि आप पाकिस्तानी तो हैं, आपकी कदरें पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपने इनकी अच्छी कदरें अपना ली हैं, ताकि यहाँ के लोग आपको इज्जत की नज़र से देखें, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और आप जो इकदार, जो रवायात यहाँ अपना रहे हैं उनको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें। ये सफाई सुथराई और ये सच बोलना, yes, ये ईमानदारी, yes, yes. ये वो ट्रेट्स हैं जो हम पाकिस्तान में मिस करते हैं, जो जापानी लोगों में मौजूद हैं। आप ये सीखें और हम तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सो ये थी मैडम नीलोफर बख्तियार इन जापान में, और इंशाल्लाह इनको कल टोक्यो टावर्स और मुख्तलिफ टोक्यो की हम इनकी सैर भी कराएंगे। मैं कोशिश होगी कि इनकी वो भी एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री कि हाउ ही वॉज फीलिंग इन जापान, एक दिन जियो के साथ नहीं, एक दिन मुगल के साथ। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।